भी लोग मिल करके एक महिला शिक्षिका के ऊपर दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, अभद्र बातें कहते हैं। ऐसे ऐसे मुखिया को तो मुखिया होना ही नहीं चाहिए। और ये लोग जो अपने आप को प्रधानाध्यापक कहते हैं और विद्यालय में ये लोग पढ़ाने के में यही नौटंकी ये लोग करके रखते हैं और विद्यालय में पढ़ाने के नाम पे इन लोग को तो पढ़ाने तो आता ही नहीं है। जो जिस विद्यालय में पढ़ाती है, छोटी मध्य विद्यालय छोटी नरवाड़ा में, वहां पर महिला शिक्षिका है, कार्यरत है। प्रधानाध्यापक ने ऐसा क्या कर दिया कि यह परेशान होकर दर दर की ठोकरे खा रही और भटक रही है? और इनको ऐसा क्यों नौबत आ गया कि आज जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला अधिकारी को एप्लीकेशन यानी आवेदन के माध्यम से अपनी बातों को रखने को मजबूर हो गई? सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। क्या कुछ आपके साथ हुआ था प्रधानाध्यापक के द्वारा? वो तरह तरह से धमकी देते हैं और महिला समझ के बहुत प्रताड़ित करते हैं। वर्ग में जाके बहुत माने प्रताड़ित करते हैं, धमकी देते हैं, यहाँ से चले जाओ। और मुखिया जो नरेश कुमार चौधरी हैं, उनके चचा हैं, तो उनका भी धमकी देते हैं कि मेरे चचा मुखिया हैं, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। और ग्रामीणों को भाला फुसला रहे हैं और जो हम आपके ग्रामीण हैं, हम गंवा हैं, इस तरह से करके मुझे धमकी दिया जा रहा है कि यहाँ से चले जाओ। और अपने नहीं पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने भी नहीं आता है और मुझे गलत आरोप लगाते हैं, झूठ साझ का किसी किसी को पैसा उसा दे के, और बहुत तरह से हमको तंग किया जा रहा है। अच्छा, उनको पढ़ाने भी नहीं आता है? नहीं, उनको पढ़ाने नहीं आता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिस विद्यालय में शिक्षिका उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक का यह मामला है। उस प्रधानाध्यापक को पढ़ाने तक नहीं आता है और इनको तरह तरह से धमकी भी दिया जाता है और प्रताड़ित भी किया जाता है। आखिर क्यों धमकी दिया जाता है आपको? धमकी मैंने तरह तरह से महिला समझ के दिया जाता है, जो बाहरी महिला है, जबकि मेरा घर तरियानी प्रखंड में है और मैं कवित्री भी हूँ और इंडिया लेवल पर हूँ। और इस बहुत सारे उनको जलन भी है अंदर से कि हम पुरुषों के आगे नहीं है, महिला प्रतिभा पैसों की मोहताज नहीं होती, इसमें कल कोई आज नहीं होती, इसमें कोई समाज नहीं होती, ये नर या नारी जो भी होगा आगे बढ़ेगा, वो मैंने इस तरह से भी उनके अंदर में जलन है। और इस सबसे बड़ा बात तो ये है कि वो ऑफिस में बैठ कर गलत मजाक हमसे करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। और अगर मैं कहीं बाहर घूमने चली जाती हूँ तो कहते किसके साथ गए, क्या कहे, बहुत तरह तरह से मैंने ऐसा हरकत करते हैं, जैसे मोबाइल ले जाना, उनके द्वारा गलत मैसेज करना, बहुत तरह से जब उनको टोकते हैं तो हमको बहुत परेशान किया जा रहा है और यहाँ से जाने की तरह कहते हैं। और अपनी विद्यालय को अपनी मैंने जमींदारी प्रथा समझ रखे हैं और अपना मैंने ध्वज जनाते हैं महिलाओं पर और महिला समझ के हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। अच्छा, मतलब प्रधानाध्यापक जो है, मतलब आपको गलत गलत बातें भी करते हैं? जी, हंसी मजाक भी करते हैं तरह तरह से। और इसमें नरेश कुमार चौधरी भी शामिल है, वो पहले बीआरपी रह चुके हैं और अब उनके चचा मुखिया है, इस मुखिया का ध्वस हो जना रहे हैं हम पर। और मैंने जो किसी से उलझा दे रहे हैं उसका वीडियो नहीं दे रहे, ले रहे हैं और मेरा ले लेते हैं। मैंने मैं मतलब ये जो मामला जो था धमकी देने का, प्रताड़ित करने का, गलत गलत बात कहने का, आरोप लगाने का, ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ था और कब शुरू हुआ था? ये 5 साल पहले शुरू हुआ था। उनके अंदर कहां से भावनाएं क्या हुई? और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि वो माने हमारी बच्ची का शादी किसी से भी करने के लिए कहते हैं, जब मैं इनकार करती हूं तो वो माने तरह तरह से ये करते हैं। हम अपनी बच्ची की शादी उनकी प्रतिभा, जो मेरी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है, उनके अनुसार लड़कों से करना चाहेंगे, उनके स्टाफ सके। और महिला शिक्षिका 1 घंटा लेट जाती है, उनको कुछ नहीं कहते। अगर मैं 1 घंटा लेट जाती हूँ तो वो हमको जो है सो माने तरह तरह से माने कानून को अपनी जागीरदारी समझ के हमको बहुत प्रताड़ित करते हैं वो। अच्छा, तो मामला जो है, मतलब ये मामला जो है कहीं ना कहीं शादी को लेकर के ये मामला है और मतलब इनकी जो बच्ची है उनका शादी वो चाहते हैं कि हम जहाँ कहे वहाँ पे हो, ये मामला है। जी। और माने जबकि हम नहीं चाहते हैं, मेरी बच्ची मेडिकल की तैयारी कर रही है, हम अपने अनुसार करेंगे, उनके अनुसार नहीं करेंगे। मेरी बच्ची बहुत सुशील और शिक्षित है और माने तरह तरह से घरेलू मामला में भी इंटरफेयर करते हैं और तरह तरह से। अभी एक घटना सामने आई है मीना कुमारी को सिखा के गाली गलौजी किए और वो जब कुछ बोली तो नहीं है, मेरा बात को ले लिए। और उनके हस्बैंड को सिखा के ये नरेश कुमार चौधरी मुखिया जो जिनके चचा हैं, तो उनको आके और स्कूल में हमसे 4 आदमी से लेके और हमको धमकी दिया गया जो तुमको मार देंगे, यहाँ से चली जाओ। और तीन में मीना कुमारी, रंजीत कुमार सिंह जो नरवाड़ा के हैं और नरेश कुमार चौधरी जो नरवाड़ा के हैं, वो तीनों का ये मिली भगत है, तीनों मिलकर हमेशा हमको परेशान करते हैं। अच्छा, आप किस स्कूल में, मतलब किस विद्यालय में आप कार्यरत हैं?
जी मध्य विद्यालय छोटी नरवारा। अच्छा मध्य विद्यालय छोटी नरवारा, और प्रिंसिपल भी वही के हैं? जी जी प्रिंसिपल भी वही के, अपने गौआ समझ के, और नरेश कुमार चौधरी के चचा जो मुखिया है वो अपना उनके चचा के मुखिया का होने का नाजायज फायदा उठा के हमको वो धमकी देते हैं। परेशान किया नरेश कुमार चौधरी 5 साल से कह रहे हैं जो यहाँ से चले जाए, रंजीत कुमारी भी 5 साल से कह रहे हैं, और मैंने वो दूसरे विद्यालय से इस मकसद से हमको परेशान करने उनको बुलवाया भी गया है, और बहुत सारी परेशानी मैंने आ रही है। अच्छा मैम 5 साल से आपके साथ ये समस्याएं थी, आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह नहीं किया अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला अधिकारी हो या एसपी महोदय किसी के पास? मैं शिक्षक लोगों को कही और बात से समझाने का प्रयास किया कि मैं शिक्षित महिला हूं और मैं हाई लेवल पे हूं, मैं कवित्री हूं, तो सोची कि अपने बात से उनको समझा सकी, लेकिन मैं समझाने में सफलता हासिल नहीं की हूं, तब मैं मीडिया में आई हूं। अच्छा मतलब 5 साल से आप उस सब के टॉर्चर को झेल रही थी और बर्दाश्त कर रही थी, समझिए एक महिला है कितना कुछ झेलने के बाद, कहीं ना कहीं शिक्षक है, शिक्षक के साथ साथ गृहिणी भी है, अपना घर चलाना, स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना, उसके साथ साथ वहाँ के शिक्षकों का, प्रधानाध्यापकों का टॉर्चर सुनना, कितना इनके दिल पे क्या बीतता होगा और इनके अंदर से कैसा महसूस होता होगा, अगर आप भी समझिए कि समझ सकते हैं इनकी बातों को, और ये 5 साल से इस बात को दबा कर अपने दिल में दबा कर रखी थी और 5 साल से समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ये लोग 5 साल बीत जाने के बाद भी ये लोग नहीं समझे, और आज के समय में भी इनको इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने कि ये मजबूरी में आ जाकर के मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे रही है। अच्छा आप आगे क्या कुछ करने वाले हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होने वाला है आपका? अब चूंकि मैं आपके बीच आई हूँ पदाधिकारी को, मैं एप्लीकेशन दे, नहीं सुधरेंगे, बात से नहीं समझेंगे, तो मैं कानूनी कार्रवाई उन पे कोर्ट तक जाऊंगी। अब देखिए कानूनी कार्रवाई तो आप पे होगा, क्योंकि एक महिला शिक्षिका को आप ऐसे प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, और भले ही आपके पास कुछ भी हो, आप मुखिया रही है चाहे फलान चिलान लिमका ढिमका कुछ हो रही है, आप एक महिला को इस तरह से आप प्रसारित नहीं कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार करते हैं, आने वाले समय में अगर आपके खिलाफ अगर ये एक्शन लेती है, अगर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई, तो आपको तो जेल जाना निश्चित है, नहीं तो आगे से भी आप लोग जो है ना सुधर जाइए, और कहीं ना कहीं इनके साथ जो है इनको अपना ड्यूटी करने दीजिए, और आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुद्ध अंतःकरण से कीजिए। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि ये बेचारी मजबूर होकर के आप लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बड़ा एक्शन लेने को मजबूर हो जाए क्या? जी जी मैं करूंगी, और मैं उन लोग से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और वो समझने के लिए तैयार नहीं है, उनका ये नेचर है, बहुत गलत नेचर है, और उनका नेचर है कि धौस जनाना दूसरे पे, और तो हम ये नहीं कदापि नहीं बर्दाश्त करेंगे, कदापि नहीं चलने देंगे उनका ये, मैं शिक्षित महिला हूँ, और मैं ही जब बर्दाश्त कर लूंगी इतना तो और महिलाएं क्या करेगी, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगी और मैं उन पर कानूनी कार्रवाई करूंगी। अब समझिए कहीं ना कहीं नारी शक्ति जो होती है ना, ये नारी तभी तक किसी चीज को सहन करती है जब तक सहन होने वाला होता है, अब यही नारी शक्ति जब काली का विकराल रूप धारण करती है तो अच्छे अच्छों का संहार कर देती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानाध्यापक इस चपेट में आ जाए और उस पंचायत के मुखिया भी इस चपेट में आकर के दोनों महिला के द्वारा संहार किए जाए। अब कहीं ना कहीं वीडियो देखने वाले हमारे जितने भी दर्शक आप लोगों से भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ऐसे प्रधानाध्यापकों को क्या विद्यालय में होना चाहिए, और ऐसे ऐसे भ्रष्ट मुखिया को क्या उस पंचायत का मुखिया होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बाकी इनकी बातों के द्वारा आप अपने मन में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे बाबा एक्सप्रेस न्यूज, मेरा नाम सत्यम साहिल है, जय हिंद।